wanted to ask you about this seminar that we are doing on, that you're doing on biofuels and all. बहुत अच्छा सेमिनार है और जो हमने इंडिजिनस, आपको पता ही है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं और इथेनॉल को आज हमने बहुत आगे तक बढ़ा दिया है और हमने कहा है कि जगह जगह आप जो डीजल या अन्य चीज़ें हैं तो उसमें बायोफ्यूल का हमारा अंश क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कहा था कि 10% कम से कम जो आयात कर रहे हैं वो आयात में 10% तक की रोक लगनी चाहिए। कहना मात्र था, उनका जो ध्येय वाक्य था वो आज देश उसको एक मंत्र के रूप में लेता है, एक एक किस्म से उसको पाथेय मानता है। लोगों ने माना, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारी और भी जितने ऑर्गेनाइजेशन से हैं उन्होंने उसको लिया और आज हम इस क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आज हमारे कई जहाज और कई हमारे आर्मी के जहाज बायोफ्यूल से चल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, कहीं पीछे नहीं है। आज हर जगह मजबूती से उभर रहे हैं, एक्सपोर्ट में जो पहले स्थिति हमारी थी कई गुना आगे बढ़ गई है। आज ऐसी ऐसी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि सिप्री नामक संस्था ने जो 2020 में सर्वे किया कि कौन टॉप देश हैं, कितने टॉप देश हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी का साजो सामान, तो 25 कंट्रीज जो है टॉप की निकली, उसमें से भारत एक देश है हमारा, यानी कि हम भी 25 में टॉप देश हैं जो आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले से हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे 310 आइटम एक और करीब करीब 700 से ऊपर दूसरे आइटम हमने बैन कर दिए, लेंगे ही नहीं बाहर से। आज तक किसी के दिमाग में बात नहीं आई, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मसम्मान जगाया तो सारे लोग आज आगे बढ़े। आज हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, रात दिन प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता के बारे में जो मंत्र दे रहे हैं उसको विश्वासपूर्वक लोगों ने ग्रहण किया है, इसलिए आज हम विश्व में ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर हैं। एब्सोल्युटली सर, बस लास्ट क्वेश्चन, क्या ये यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये जो बायोफ्यूल का एक्सेलरेशन जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा सेल्फ सस्टेन हो, इट हैज़ ग्रोन अप मोर विद अस? हमारा तो प्रोग्राम था, हमें किसी देश की ओर नहीं देखना है, दिस इज आवर प्रोग्राम, पहले से प्रोग्राम चल रहा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 10% के आयात पर कटौती होनी चाहिए करिए, तो उस समय तो कहीं ऐसी बात थी नहीं, कोई कंट्री का आपस में कोई लड़ाई भी नहीं थी। ये तो हमारा आत्मनिर्भर बढ़ने की तरफ हम लोगों को उत्साहित जो किया और खुद उसकी मॉनिटरिंग की, उसकी बदौलत आज हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।